नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई डॉट इन में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और आज मैं आपसे बात करूंगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये बताया था कि एक स्टॉक जो आपको 20% से भी ज़्यादा के रिटर्न दे सकता है अगले आने वाले 1 महीने में। जी हाँ दोस्तों, वो जो स्टॉक था वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का था। अब मैंने उसके पीछे एक रीज़न भी बताया था कि आपको ये क्यों रिटर्न दे सकता है। तो जिन दोस्तों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक अवेलेबल है और इवन डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है। उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए क्योंकि बिना वो वीडियो देखे आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आपको अगर ख़रीदना है उस वीडियो के अकॉर्डिंग, अगर आपको वो कंसेप्ट समझ में आ गया है क्योंकि ये 20% के रिटर्न कैसे आपको मिलेंगे, तो आप इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को ख़रीदने की कोशिश करेंगे। तो आज जो प्राइस इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का है वो बहुत ही अच्छा प्राइस है। तो चलिए देखते हैं टर्मिनल पे वो क्या प्राइस है। दोस्तों मैं आ गया हूँ टर्मिनल पे जहाँ पे ये इंट्राडे का ये डे वाइज IOC का चार्ट है, जहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि मैंने कल जो वीडियो बनाया था उसमें यही बताया था कि आपको IOC में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक उसका आई बटन में अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। तो उसको ज़रूर देख लीजिए क्योंकि बिना वो देखे आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। कल जब मैंने रात में वो वीडियो बनाया था, जो IOC का प्राइस था वो करीब करीब 405 के आसपास की क्लोजिंग थी। अब मैंने वो कल रात को वीडियो बनाया था और उसमें ये बताया था कि IOC अगले आने वाले 1 महीने में आपको 20% तक के रिटर्न दे सकता है। क्योंकि मैं ये जानता था कि आज जो इसकी एक्स डिविडेंड की डेट है वो आज है। तो आज जो इन्होंने IOC ने ₹15 का डिविडेंड अनाउंस किया था एक हफ्ते पहले, उसका एक्स डिविडेंड हो चुका है और उसका जो प्राइस एडजस्टेड आया है वो करीब करीब 387 का आया है। आप देख सकते हैं, ये मैं इसको इंट्राडे में लगा देता हूँ। ये देखिए आप, सीधा ये 405 से सीधा गैप डाउन हुआ और ये एडजस्टेड प्राइस हो गया है। तो एडजस्टेड प्राइस जो हुआ है वो करीब करीब अभी 387 का चल रहा है। तो जिन लोगों को मेरा वो पहला वाला वीडियो जो मैंने कल रात में डाला था वो बिल्कुल समझ में आ गया है, तो वो अगर IOC को बाय करना चाहते हैं तो ये उनके लिए राइट समय है। अगर वो 380 तक चला जाता है 1-2 दिन में तो और अच्छा है उनको ख़रीदने के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली अब जो इसमें बेनिफिट है वो बोनस का है जो कि अगले आने वाले 1 महीने में अनाउंस होगा। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वो 20 या 22 मार्च के आसपास एक्स बोनस की डेट आए। तो तब तक ये स्टॉक आपको, अब 5% का और आपका गेन बढ़ गया तो आपको 25% तक के गेन दे सकता है। और जिन लोगों को ये नहीं पता कि डिविडेंड क्या होता है तो उनके लिए मैं ये बता देता हूँ। डिविडेंड वो प्राइस होता है जो कंपनी अनाउंस करती है अपने शेयर धारकों के लिए, यानी इस दिन से पहले के जिन लोगों के पास शेयर्स होंगे उनको कंपनी ने अपनी कैपिटल, जो अपना प्रॉफिट है, उसमें से क्या किया, ₹15 जो अनाउंस किया उनको हर शेयर के बदले ₹15 उनको दे दिए गए हैं और उस प्राइस को स्टॉक में से एडजस्ट कर दिया गया है। यानी अल्टीमेटली उनको यहाँ से उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया ₹15 का और वहाँ पे उन्होंने उन लोगों को दे दिए जो शेयर होल्डर्स थे IOC के। तो ये प्राइस एडजस्टेड हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो फ्यूचर का प्राइस होगा और कैश का प्राइस होगा वो बिल्कुल सेम चलेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रह गया होगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए फ्यूचर खरीद सकते हैं तो फ्यूचर भी खरीद सकते हैं, और कैश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कैश में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यही चीज़ मैं आपको बताने के लिए मैंने ये वीडियो अभी सुबह सुबह बनाया है कि जिन लोगों को मेरा वो कंसेप्ट समझ में आ गया है कि IOC में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए अगले 1 से 1.5 महीने के लिए, तो उनके लिए राइट टाइम है इस स्टॉक को ख़रीदने का। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई इसमें अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या कन्फ्यूज़न है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद जय भारत।